नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में कार्यरत महिला सर्जन डॉक्टर साधना पटेल पर भाजपा महिला नेत्री ने लगाए गंभीर आरोप। तिवारी ने बताया कि उनके रिलेटिव चंद्रशेखर प्रजापति अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर जिला चिकित्सालय लेकर आए हुए थे और डॉक्टर साधना पटेल से जब उन्होंने बात की तो डॉक्टर साधना पटेल ने महिला को नेबर रूम में ले जाकर बोला कि इनका सीजर करना पड़ेगा। उसके बाद जो डॉक्टर की परिचित महिला संगीता ने परिजनों से पैसों का लेन देन की बात की, परिजन से बोला कि उनको बता दो सीजर होगा और 3500 रुपये लगेंगे। तिवारी ने कहा सरकारी अस्पताल में पैसे नहीं लगते डिलीवरी के। तब उस महिला ने कहा कि ये मैडम की फीस है। तब उन्होंने मरीज की स्थिति को देखते हुए संगीता नामक महिला को 600 रुपए दिए और डिलीवरी होने के बाद वो महिला दोबारा फिर आई और बोली कि मैडम 3500 रुपए अपनी फीस मांग रही हैं। और इसी चीज को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया और फिर भाजपा नेत्री तिवारी ने सिविल सर्जन को लिखित शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। और वहीं महिला के पति चंद्रशेखर प्रजापति ने भी सिविल सर्जन को लिखित शिकायत की है। जब इस पूरे मामले पर मीडिया ने सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाते हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। नहीं रुक रहा जिला अस्पताल में रिश्वत का काला कारोबार। कुछ समय पहले भाजपा महिला नेत्री ने अपने सहयोगी को जिला अस्पताल में प्रसूति के लिए लाया गया, वहीं रिश्वत की मांग की। जिला अस्पताल में डॉक्टर साधना पटेल ने 3500 रुपए की रिश्वत की मांग की। यूं तो जिला अस्पताल में साधना पटेल पर ऊपर आरोप व प्रत्यारोप हमेशा से लगते रहे हैं, पर आज दिनांक तक जिला अस्पताल व जिला कलेक्टर कार्रवाई करने में असमर्थ है। ऐसा लगता है साधना पटेल में कहीं ना कहीं बड़े लोगों का हाथ है। उसकी पत्नी को जिसका नाम रानू प्रजापति है उसको भर्ती किया गया था और उस बाबत साधना पटेल मैडम है जो उनके द्वारा और उनके एक अन्य साथी द्वारा पैसे की मांग की गई और 600 रुपये लिए भी गए हैं और अभद्रता भी की गई है। किसी अज्ञात महिला के द्वारा जो है वो प्रसूता से पैसा मांगने की शिकायत अभी अभी आई है। अब उसका हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैम उसमें जो अपने डॉक्टर हैं साधना पटेल उनका भी नाम आ रहा है कि उन्हीं की वो महिला थी। अब इसकी आगे जांच की जाएगी वो कहाँ काम करती है और किससे संबंधित है, किसके लिए काम करती है। सर पहले भी शिकायत आ रही है आगे से, आज तक किसी ने लिखित में शिकायत किसी ने नहीं दिया है। जो शिकायत ऐसे आएंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे। आज एक शिकायत आई है, अब कार्रवाई होगी सर, दोषी पाए जाने पर होगी। थैंक यू सर। क्या मामला लेकर आए हैं? हॉस्पिटल से मुझे पैसे के लिए मेरे रिलेटिव वालों को बोला जा रहा है कि आप पैसे दें 3500 रुपये। किस बात को लेकर? ऑपरेशन के लिए। कौन है पेशेंट, क्या है? चंद्रशेखर प्रजापति। और अभी कितने दे दिए आपने पैसे? अभी मैंने 600 रुपये दिए। कितने की मांग की जा रही है? उन्होंने मतलब मेरे से तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था मैडम ने, लेकिन मैडम के थ्रू ही कोई एक लेडी जाती है बेड के पास और बोलती है कि 3500 रुपये साधना पटेल पुलिस मंगा रही। कौन है ये साधना पटेल? डॉक्टर साधना पटेल। अच्छा, सरकारी अस्पताल में जबकि पैसे तो लगते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे तो लगते नहीं जी। अब मुझे मुझे तो यही जानकारी है कि पैसे नहीं लगते। इसकी आप शिकायत भी कर रही हैं? जी बिल्कुल करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा तिवारी, बीजेपी से नगर उपाध्यक्ष। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।